ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में। माकपा और दलित शोषण मुक्ति मंच ने मनाई अंबेडकर जयंती, किया खाद्यान्न वितरण। खबर कैलारस से है। कैलारस संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती दलित शोषण मुक्ति मंच हुआ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा जन संगठनों द्वारा मनाई गई। उसमें कोरोना वायरस प्रकोप के चलते फिजिकल डिस्टेंस का भी पालन किया गया। अंबेडकर मार्ग स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य अशोक तिवारी, जिला सचिव गयाराम सिंह धाकड़, नगर सचिव महेश प्रजापति, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने माल्यार्पण किया तथा बाबा साहब के योगदान को याद किया। इसके अलावा दलित शोषण मुक्ति मंच द्वारा किसान भवन पर मजदूर व संकट की वजह से भुखमरी के शिकार परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया गया। ज्ञातव्य हो कि किसान सभा द्वारा किसानों से अनाज एकत्रित कर गरीब मजदूर तथा भुखमरी के शिकार श्रमिकों के बीच खाद्यान्न वितरण में सहयोग दिया जा रहा है। इस मौके पर किसान नेता भेरूलाल धाकड़, युवा नेता इब्राहिम शाह, सोनू छोटेलाल, सुनील धाकड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर किसान नेता गोपाल सिंह धाकड़ की पुण्यतिथि भी मनाई गई व संविधान की प्रस्तावना का विवाचन किया गया। प्राइम न्यूज 24 से जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट।